सबर करें रूमी बाजी, सबर करें। कैसे सबर करूं? आहिल को देखा है तुमने, कितना कमजोर हो गया है वो। टूटता है ताबिश को मैं क्या कहूं उसे। घर आने के बाद सबसे पहले आहिल को गोद में उठाया करते थे, और अब देखो बेचारा वो भी मेरी तरह यतीम हो गया। काश के हम सब कुछ कर सकते, लेकिन हम बेबस हैं। बेबस? मैं तो हमेशा से जिंदगी के हर मोड़ पर बेबस रही हूं। जूस पी लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कि तुम्हारा ये बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई आंटी, माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल रहा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे दिस इज फॉर यू। मेरे लिए? और अंकल ये आपके लिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है? कल दिल से लाई हूँ मैं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच बेटा। और इसकी जरूरत क्या थी वैसे? आंटी मैं अपनी खुशी से लाई हूँ। थैंक यू सो मच। होल्ड ऑन, तुम सबके लिए चीजें लेकर आई, मेरे लिए चीजें क्यों नहीं लाई? सारे तुम्हारे लिए तो लाना भूल ही गई। फक हाउ मीन, मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई चीजें? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाई हूँ? ये बैग में सब कुछ तुम्हारे लिए। परफेक्ट, थैंक यू। अरे भाई क्या-क्या ले आई इसके लिए? अंकल सारिम की वार्डरोब बिल्कुल खराब हो चुकी है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखता अपना, तो सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूं। सारिम का टेस्ट तो मुझे पता है ना। माहम, सारिम पहले तुम्हारी चॉइस के कपड़े पहनता था, लेकिन अब तो सारिम ने शॉपिंग करना सीख लिया है। आई नो अम्मी मैं शॉपिंग कर रहा था, बट आई स्टिल हेट इट। थैंक यू सो मच माहम मेरे लिए चीजें लाने के लिए। यू आर वेलकम। अच्छा तुम थक गई होगी, जाके रेस्ट करो। हाँ जी आंटी। थैंक यू। यू आर वेलकम। रशीद से कहना ये तुम्हारा सामान ले जाए।